बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद वआला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वआला आलि इब्राहीम इन्नका हमीद मजीद अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मद वआला कमा बारकता अला वआला आलि इब्राहीम इन्नका हमीद मजीद मोहतरम डॉक्टर प्यारे दोस्त इस बात में उनका बहुत शुक्रिया, इन्होंने बुलाया, इनकी टीम ने यहाँ सब सामने बुलाया, हमें इज्जत बख्शी, ये हमेशा इनकी इज्जत याद रहेगी। इससे पहले भी हम 31 नवंबर को आए थे, इनको इज्जत बख्शी वो भी अभी तक याद है और आज की इज्जत भी हम याद रखेंगे। उन्होंने बुलाया और हम यहाँ पे आए और सभी नाजरी सबको मेरी तरफ से सलाम करता हूँ। पहले ही वक्त की तलवार सब पे दे दी है कि 10 मिनट, मेरे ख्याल से 1 मिनट तो गुजर गया, 9 मिनट रह गए हैं, लेकिन मैं टाइम को बड़ा पाबंद हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि 9 मिनट में वो बता दो जो 9 मिनट की तकरीब मैं आपको बता सकता हूँ। आप सब होम्योपैथ डॉक्टर, हम भी होम्योपैथ डॉक्टर। अगर आपने होम्योपैथिक बनना है तो चंद बातों पर अमल करना होगा। सबसे पहले मेरी दुआ आप सबके लिए कि आप होम्योपैथ डॉक्टर बने और मशहूर ना हो। क्या कह दिया मैंने, गलत बात तो नहीं हो गई? क्या मशहूर ना हो? ओ भाई, मशहूर नहीं होना, मशहूर तो टीवी के इश्तहार वाले भी हो जाते हैं, मशहूर तो अखबार के इश्तहार वाले भी हो जाते हैं, मशहूर तो आजकल फेसबुक वाले भी हो जाते हैं, मशहूर तो आजकल यूट्यूब वाले भी हो जाते हैं, और आप जैसे ही चीजें बंद करते हैं उनकी मशहूरी ठप हो जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप सब मशहूर ना हो, बल्कि मेरी दिल की ख्वाहिश है कि आप सारे मशहूर ना हो, आप मकबूल हो। अब मकबूल हो गए और होम्योपैथ डॉक्टर होते ही वो है जो मकबूल होते हैं। ये मैं आपको बताऊं, कभी नशा वाला कभी मकबूल नहीं होगा। सिंगल रेमेडी देने वाला डॉक्टर हमेशा मकबूल होगा, और अगर उसने माइंड पकड़ लिया आपका तो वो समझे मकबूल हो गया। अगर माइंड ही पकड़ा तो समझे नहीं मशहूर, आपने ब्रेन पकड़ लिया। और भाई ये एक ब्रेन है, इसके अंदर कोई चीज पैदा होती है, इसके अंदर कोई डेवलपमेंट हो रही है जिसको हम माइंड कहते हैं। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है यहां कुछ लोगों का माइंड है ही नहीं। मैंने फिर गलत कह दिया शायद, माइंड क्यों नहीं, मुझे लगता है किसी कुछ लोगों की आंखें बंद ना सो रहे हैं। सोते बंदे का माइंड नहीं हो सकता, आप सोते बंदे की सिम्टम नहीं ले सकते, उसका माइंड क्या होगा? कोई बेहोश बैठा होगा उसकी आप सिम्टम नहीं ले सकते, उसका माइंड क्या होगा? जो कह रही नींद में खराबी ले रहा है उसकी माइंड की सिम्टम ले सकते हैं, आप उसकी माइंड की सिम्टम ले सकते हैं जो बंदा बैठा है और अलाइव है और अलर्ट है। और आज मैं माइंड पे डिटेल नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है माइंड पे, और माइंड के बगैर आपका गुजारा नहीं होगा। लेकिन आपको ट्रैक्टर चलाने के लिए, जैसे मैकेनिक होता है, एक मिस्त्री होता है, उसके पास प्लास होते हैं, उसके पास हथौड़ी होती है, उसके पास रैच होते हैं, पेचकस होते हैं, अजीब अजीब मशीनें होती हैं, तो हमारे पास भी टूल होने चाहिए। हमारे पास भी टूल होने चाहिए। हमारे टूल क्या है? हमारे पेशेंट के लिए दिमाग होते हैं, हमारे टूल हैं, याद रखिए, इसके बगैर क्लिनिक नहीं चलेगा। आपके पास एंटीबायोटिक मेडिसिन होनी चाहिए, मसलन सिफलाइनम है, आरोमेट है, सल्फर है, ये 30 से लेके सीएम तक आपके पास होना चाहिए। ट्यूबर प्लाइनम है, ये आपके पास होना चाहिए। सेप्टोकॉक्सिनम है, वो आपके पास होना चाहिए। न्यूमोकॉक्सिन है, वो आपके पास होना चाहिए। ट्यूबर प्लाइनम है, वो होना चाहिए। कार्सिनोसिन है, वो होना चाहिए। थूजा आपके पास होना चाहिए। थूजा आप बहुत कम इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर, लेकिन मैं बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ। जहां पर कार्सिनोसिन भी दे दी, जहां पर सल्फर भी दे दी, जहां पर सिफ्लाइनम भी दे दी, जहां पर मेटोनियम भी दे दी, केस फंसा हो वही का वही फंसा हो। क्यों? और भाई आपको पता ही नहीं है कि 80-90% बच्चों को
जो वैक्सीनेशन होती है उसके नुकसान चल रहे हो तो आप उसको दूर ही करते हैं। और जैसे ही इन केसेस को जो रुके होते हैं जिनमें ऑब्स्टेकल आ रही है, रुकावट हो रही है, इधर आप सो जाते हैं, उधर आप हफ्ते बाद उसका रिजल्ट देखे, वो कहते हैं मेरी बीमारी पता नहीं कहां पर सूजा के ऊपर मन में भी आ जाती है। मेरे क्लिनिक में सूजा का इस्तेमाल ज्यादा है, रेडियम है उसका इस्तेमाल ज्यादा है, इस तरह की और भी दवाइयां हैं जिनका इस्तेमाल मेरा ज्यादा होता है। तो आपसे दरखास्त है कि आप पढ़े। मैंने मोहसिन नक साहब के, सुहाग साहब के लेक्चर देखे, यार लेक्चर में कहते पढ़े, मैं भी यही कहता हूं पढ़े। अगर आपने डॉक्टर बनना है तो आप पढ़ेंगे, अगर आपने होम्योपैथ बनना है तो आप पढ़ेंगे, अगर आपने होम्योपैथ बनना है तो आपके अंदर से होम्योपैथ की बू आनी चाहिए, अगर आपने होम्योपैथ बनना है तो आपकी बातों से पता चलना चाहिए आप होम्योपैथ हैं, अगर आपने होम्योपैथ बनना है आपकी क्लिनिक में जाए तो पता चलना चाहिए होम्योपैथ डॉक्टर है। होम्योपैथ की डिस्कस होनी चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए, अपने अंदर होम्योपैथी को एब्जॉर्ब करें। जब आप होम्योपैथी को एब्जॉर्ब करेंगे आप अपने सबकॉन्शियस जो होम्योपैथ बैठाएंगे तो फिर आप देखें कि आपके रास्ते खुल गए। एक दफा सबकॉन्शियस जो होम्योपैथ को बैठाए कि होम्योपैथी है क्या चीज उसको बताए, और मैं भी कहता हूं कि होम्योपैथी को पढ़ेंगे, पढ़े बगैर भी आप हो सकते हैं कामयाब, मकबूल भी होंगे। मैं आपको चर्चिस बता रहा हूँ क्योंकि टाइम इतना कम है कि जो मेरे तजर्बे में वो आप मेडिसिन देकर रिजल्ट तो हासिल करें, लेकिन अगर माइंड को पढ़ेंगे तो आप इंशाल्लाह मकबूल होंगे, और मैं चाहता हूँ कि आप सब मकबूल हों। मैं चाहता हूँ कि आप सब डॉक्टर अली बने, मैं चाहता हूँ कि आप सब डॉक्टर उस्मान बने, लेकिन इनको देखे तो सही, इनके माइंड में क्या होम्योपैथी है। मुझे अली साहब का पता है, हमारा पीछे 25-30 वर्षों का साथ है, हमने होम्योपैथी के अलावा कोई बात ही नहीं। आज से 30 साल पहले थे हम यंग थे बिल्कुल, हम बहुत सी और भी बातें कर सकते थे, लेकिन तब भी हम हर वक्त होम्योपैथी की बातें करते थे। रात को 3-3 बजे तक हम क्लिनिक से उठ के, कोई 1 बजे उठ रहा है, कोई 1:30 बजे उठ रहा है, गाड़ी में बैठे हैं, किसी होटल में चाय पी, होम्योपैथी की बात हो रही है, घर के आगे मुझे ड्राफ करने आए, मैं इनको ड्राफ करने नहीं हूँ, इनके घर के आगे करें 3 बजे 4 बजे होम्योपैथी का शुरू करो, होम्योपैथी चलें, होम्योपैथ बने तो सही ना, होम्योपैथी को अपने ऊपर स्वार्थ तो करें, अपने अंदर जज्ब तो करें, एब्जॉर्ब तो करें, फिर देखिए होम्योपैथी कर पाने की। इसलिए माइंड को जोड़ लें और हाइपोथेसिस इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपका प्रैक्टिस बहुत बढ़ेगी और आप मकबूल होंगे। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, बता देता हूँ कि जैसे आपके पास सर्वाइकल स्पोंडिलोसिस के केस आते हैं और यहाँ पे दर्द, यहाँ पे बोझ, यहाँ पे वजन, तकरीबन 60% लोग कहते हैं यहाँ पे वजन है, यहाँ पे दर्द है, मूवमेंट दिक्कत है, राइट नहीं सकता, लेफ्ट नहीं दे सकता, नीचे नहीं दे सकता, और आजकल मोबाइल की वजह से गलत एंगल पर लेटने से उनकी प्रॉब्लम हो रही है। तो इसकी आप अगर पैरस क्वाड्रिफोलिया उसको सीएम देखें तो आपके लेफ्ट जो पेशेंट इस पेन से इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। और आप देखें तो और भी पत्र कितनी आसानियाँ हैं कि आप जब माइंड को देखते हैं तो अगर कोई अभी मैं देखा था कुछ बैठे आदमी थे, सारी डॉक्टर्स थे, तो बच्चों को भी मैं देखता हूँ होम्योपैथी कितनी आसान, अगर आपको याद करें पढ़ेंगे जरूर, जिस तरह डॉक्टर सुभाष साहब पढ़े मेडिकल को पढ़े, आपसे आज मैं आपसे वादा लेके जाऊंगा कि आप पढ़े, जब भी हमारी मुलाकात हो फिर आप बताएं कि आप इतना कामयाब है इंशाल्लाह। आप एक आज अगर हमारी 1-2 साल में फिर मुलाकात होती है तो मुझे उम्मीद है अगर आप पढ़ेंगे, माइंड को पढ़ेंगे तो यहाँ से यहाँ पे होंगे। लेकिन एक चीज है पढ़ने में कि अगर पढ़े तो रोज की एक पढ़े, 2 ना पढ़े, 3 ना पढ़े, 4 ना, एक पढ़े, बोरिंग में पढ़े, कशीराम में पढ़े, एलन में पढ़े, डॉक्टर आबद की किताब में पढ़े, एलन में पढ़े, आप बोरिंग में पढ़े, लेकिन एक पढ़े, दूसरे दिन सबसे जाने फिर वही पढ़े, तीसरे दिन नहीं पता चला फिर वही पढ़े, जब तक आप उस दवाई से ओवर नहीं हो जाते आप पूरा याद रहे उस दवाई को मत छोड़े, चाहे महीने में 10 दवाइयां पढ़े, रिजल्ट आपके सामने, मैं भी इंशाल्लाह लिखी तो आपके साथ हूँ, आप भी मेरे साथ साथ लग जाते पढ़ेंगे, लेकिन एक दवाई रोज पढ़ेंगे, जब एक पढ़ लें फिर दूसरी पढ़े, तीसरी पढ़े, चौथी पढ़े, और एक ही मेडिसिन को बहुत सी किताब से पढ़े। वैसे होम्योपैथी कितनी आसान है देखें, अगर जो लोग मैं तो इसमें दवाई देता हूं, ये तो मैं आपको जेस्चर बता दूंगा,
ये माइंड के जेस्चर है। माइंड क्या करता है, न्यूरॉन क्या करते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर क्या करते हैं, न्यूरो पास क्या बनते हैं, इस पे कभी टाइम हो तो बड़ा टाइम चाहिए, लेकिन आपके जेस्चर ऐसे बनते हैं। बच्चा आपके पास आ रहा है, आते हैं प्रेजेंट में माँ बाप के साथ, जरा सी बात भी खुश हुए ताली मार दो। अगर बच्चे ने ताली ऐसे मार के उसको सद्दा मोनियम दे, चाहे वो सीपी का बच्चा है, चाहे वो डिलेड ग्रोथ का बच्चा है, चाहे वो लैक्टोज इंटॉलरेंस है, मिल्क इंटॉलरेंस का बच्चा है, चाहे किसी का बच्चा है, चाहे वो भूख का होता है, चाहे बुखार होता है, अगर वो बच्चा ऐसे ताली मारना सड़ना बोलने पर निकले, और कुछ बच्चे आप देखें तो ऐसे तालियां मारते हैं, आप देखिए उन्हें पति कबार ऐसी ताली मारने को सीखे कार उसके सड़ना बोलने में। और अगर एक दफा बच्चा ताली मारता है, अक्सर बात है बड़े लोग उनकी सीरियम तो आई है, आप देखो सीरियम आई देखे उनकी बाकी मेंटल सिम्टम, उनकी फिजिकल सिम्टम, उनकी थर्मल सिस्टम सब ठीक होंगी। और इसी तरह देखे अगर कोई फीमेल आती है और ये मेरे कि बहुत हैवी हो गए हैं, तो सही 30 दिन 200 दिन महीना 2-3 महीने कराए, मेरी अलग मुद्दा है कि मोटापा पीछे से कम हो जाता है। अगर कोई आदमी आ रहा है इसी तरह कुछ मरीज होते हैं कि मेरे बाजू मोटे कर दें, बाजू पतले, आप ग्रेफाइटिस करा दें, आप रोज की 30 दिन दूसरे की 30 दिन 2 महीने बाद रिजल्ट देखें। इसी तरह अगर देखे कुछ मरीज कहते हैं जब से मुझे टाइफाइड हुआ मुझे प्रॉब्लम, टाइफाइड सोलह जब से मैं डरा हूं मेरे अंदर ये प्रॉब्लम हो गई है, उसको एक्टोलाइट करें और ओपीएम करें। मेरे पास एक पेशेंट आया आज से 2-3 साल पहले, उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं अपनी बेहतरीन अपनी स्टडी बुक रिपोर्टिंग दे चुका, कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं बड़ा परेशान था, इसको ठीक फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उम्र फर्क तो पड़ जाता है, ठीक चलो बैक तो नहीं होते सारे, फर्क तो पड़ता है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा, मैं बड़ा परेशान था। तो मैंने जनाब एक दिन उसकी नब्ज़ पकड़ी तो मुझे कहता है कि जी इसी तरह मेरी नब्ज़ पकड़ी थी एक कर्नल साहब ने, तो उस वक्त से मेरा सीख किया। मैं कहता हूँ क्या किया था, उन्होंने कहा था नब्ज़ पकड़ने साहब का ओहो तो मेरा ब्लड प्रेशर 200 से नीचे आता नहीं, मैं उसको एक्यूरेट सीएम दी, आज 2 साल हो गए उसका ब्लड प्रेशर भी और बाकी सब कुछ ठीक है। इसी तरह कोई बच्चे आपके पास आते हैं कि मैंने इंजाइटिस हुआ था तो मुझे ये प्रॉब्लम थी, आप बेल सीएम से उसका बेल सीएम, मेरा ख्याल है कि अभी सब टाइम देख रहे हैं तो 9-10 मिनट हो गए हैं, कहने को बहुत कुछ है, फिर कभी मौका मिला तो रुकूंगा। ऐसे मेरा हाथ महीने की 2 तारीख को लेक्चर होता है, आजकल वो हम लाइव भी करते हैं तो उससे भी आप थोड़ा सा असर कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए मैं हर वक्त हाजिर हूँ। मेरा फोन नंबर, मेरे क्लिनिक के दरवाजे होम्योपैथ के लिए खुले हैं, कोई मेडिसिन चाहिए उसके लिए दरवाजे खुले हैं, तो आइंदा मैं आऊँ तो मुझे उम्मीद है कि आप सारे मकबूल होंगे, मशहूर भी होंगे।